तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए एक अपने नए रेसिपी के साथ। तो ये है टेंगना मच्छी और हम इसकी रेसिपी बताएंगे अब। तो इसको हम किस तरीके से अब साफ़ करेंगे वो अब आ जाइए देखते हैं। अब हमने मच्छी को ले लिया है और अब इसे हम कैची के माध्यम से इसको काटेंगे, मच्छी के सर को। तो सर को आप निकाल दें क्योंकि इसमें हार्ड काटा होता है बगल में, इसलिए हमने कैची का यूज़ करा है। इस तरीके से हमें साफ़ करना है और देखिए किस तरीके से हम उसी कैची के माध्यम से उसके अंदर डाल के पूरा उसकी जो अतड़िया है वो पूरी साफ़ कर लेंगे हम उसके पेट को। हमारी मछली साफ़ हो गई है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अब कैसे हम इसको बनाएंगे। तो पहले हम क्या मसाले इसके अंदर डालेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी मच्छी बनेगी जिसके अंदर जो जो मसाले, चलिए एक बारी देखते हैं। जिसके अंदर साबुत लाल मिर्च, अदरक, प्याज, खड़ा मसाला, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये सारी हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको पीछे लिख दूंगा। ये है सरसों, काली वाली सरसों साबुत, फिर है पीली वाली सरसों, लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च, और ये है मसाला जो कि हमने स्पेशली बनाया है मच्छी के लिए। तो इसको अब ग्राइंड करेंगे, इसको अच्छे से इसमें डाल के और इसका पेस्ट बना देंगे। तो अपने मछली के तड़के को हमने बनाया है, इसमें प्याज है, लहसुन है, हरी कुछ मिर्ची है और थोड़ा सा हमने लिया है सरसों, तो जिसको हम तड़का लगाएंगे अब। जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे ऐसे ही चलाएंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों, हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है क्योंकि ये रिफाइंड है, तो ज़्यादा इसमें पता नहीं चलता गोल्डन ब्राउन। पर प्याज जब देखो आप मुरझाने लगे तो इसका मतलब समझ लो ये तैयार है पूरा तड़का बनकर। तो अब इसमें हम मिलाएंगे अपने मसाले को जो हमने पीसा था, ऐड करेंगे मसाला इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा जितना भी मसाला लगा हुआ था उसको धोकर अच्छे से उसको डाल लेंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे, और जब तक तेल ऊपर ना आ जाए इसमें मसाले में तब तक इसको पकाना है हमें अच्छे से, जिससे ये खुशबू देने लगे मसाला हमारा। हम थोड़ा नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं आप, तेल ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा पूरा पक चुका है। इसमें अपने हिसाब से आप पानी डाल लें जितना आपको चाहिए, और अब इसे अच्छे से उबाल आने दें। फिर उसके बाद हम अपनी मछलियाँ ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसको हमने ढक दिया है, अब इसको हम 10 मिनट तक उबलने देंगे अच्छे से, फिर उसके बाद अपनी मछलियाँ ऐड करेंगे इसके अंदर। 10 मिनट हो गए दोस्तों, तो इसे हम खोल के देखेंगे कि हमारे मसाले और पानी पक गया है अच्छे से। ये देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी जो मछली हमने रख रखी थी, ये वाली मछली, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है टेंगना मछली खाने में। ये जो आप येलो येलो देख रहे हैं इस पे, ये हमने मछली को धो दिया था क्योंकि थोड़ी सी स्मेल जो मछली मछली वाली आती है, तो हमने हल्दी से इसे धोया है कि ये अच्छे से खुशबू टाइप दे हमारी मछली। सारी मछली हमने डाल दी है, इसको दोबारा हम बॉइल्ड होने के लिए ढक देते हैं आराम से। इसे हमने ढक दिया है, 5 मिनट में हमारी मछली बनके तैयार हो जाएगी।